Okay, so in this session we are going to see the Termex API. So Termex API start करने से पहले मैं पहले API के बारे में discuss करूँगी. हम सब ने API के बारे में तो mostly सब जानते ही हैं, ठीक है? So सुना है सबने API क्या है, but क्या आपको पता है कि API exactly है क्या? अब बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, ठीक है? So पहले मैं API के बारे में discuss करूँगी, then we will move to the Termex API, okay? So API है क्या? So API का अगर हम full form देखें, so क्या है उसका full form? Application Programming Interface. So इसके ना नाम से clear होता है, इसका जो definition है वो इसके नाम से ही है, application को manage करने वाला system, ठीक है? So एप्लीकेशंस जो भी होती हैं वो एपीआई के थ्रू वर्क करती हैं, एंड उससे हमें यूज़र को एक अच्छा इंटरफेस मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है एप्लीकेशन पे, ठीक है? सो अगर मैं इसको और अगर मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, मैं एक फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं एंड वहाँ पर आपके पास मेन्यू आता है, ठीक है? सो मेन्यू में सब लिखा रहता है कि क्या क्या डिशेज अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, आपने उस मेन्यू में से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है? सो वो पिज़्ज़ा ऑर्डर लेने के लिए कौन आएगा? सो पिज़्ज़ा ऑर्डर लेने के लिए वहाँ पे आपके पास वेटर आता है, ठीक है? आपने उसको पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया एंड वो ऑर्डर लेके जाएगा किचन में, यहाँ पे शेफ़ रहेगा एंड वो शेफ़ आपके लिए वो पिज़्ज़ा प्रिपेयर करेगा, ठीक है, बनाएगा एंड फिर वो वेटर के थ्रू आपके टेबल पे पहुँचेगा, राइट? ऐसा ही है. उसके बाद क्या होता है, अभी मैं इसको एपीआई के साथ कंपेयर करती हूँ. यहाँ पे जो वेटर है वो क्या है? एक एपीआई है, ठीक है? और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है? अभी ये एपीआई ने क्या काम किया, यहाँ पे वो यूज़र और मतलब जो हम टेबल पे बैठे हैं वो पर्सन और शेफ़ के बीच में एक इंटरफेस है, उसके थ्रू यूज़र से वो डेटा लेके जाता है सर्वर पे एंड रेडी करवाता है फ्रॉम द शेफ़, एंड जब यूज़र को वो डेटा चाहिए तभी वो उसके पास लेके आएगा. सो इसी तरह से एपीआई क्या करता है, एप्लीकेशंस में यूज़ होता है एंड उससे क्या होता है, बेसिकली ये इंटरफेस होता है, ठीक है? सो जिससे हमारी एप्लीकेशंस वर्क करती हैं, ओके? सो दिस इज़ द एपीआई. उसके बाद हम देखते हैं कि आई होप क्लियर हो गया एपीआई क्या है, ठीक है? सो उसके बाद की Termex API क्या होता है. सो Termex API एक कंपेनियन ऐप है, ठीक है? सो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये एक इंटरफेस है विद द Termex जो हमने इमुलेटर यूज़ कर रहे हैं एंड बिटवीन द डिवाइस. सो इससे क्या होगा, सो Termex API के थ्रू यू कैन एक्सेस योर स्टोरेज फ्रॉम द डिवाइस, जो आपका डिवाइस स्टोरेज है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंड, यू कैन एक्सेस द लोकेशन GPS थ्रू GPS. आप बहुत सारे काम एक्सेप्ट अदर भी फीचर्स, आप उसका गैलरी एक्सेस कर सकते हैं, अदर डिवाइस फीचर आपको एक्सेस कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ Termex API क्या है, तो ये एक इन शॉर्ट आप सब कुछ उस जो इमुलेटर है, इमुलेटर जो लिनक्स टर्मिनल है उसके थ्रू कर सकते हैं. आपको डिवाइस में Termex को बंद करके नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? आप अपने टर्मिनल के थ्रू ही अपना पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज द Termex API. सो अब हम अपने सिस्टम में Termex API को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आ जाइए Termex पे. सो वेरी फर्स्ट थिंग आपको इंस्टॉल करना है. सो इंस्टॉल करने के लिए आपको दो वे हैं, या तो आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं और आप गूगल प्ले पे जो आपका प्ले स्टोर है वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं. लेकिन अगर हम सीख ही Termex रहे तो हमें गूगल प्ले पे क्यों जाना है? सो डाउनलोड फ्रॉम द Termex ओनली, ओके? एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट API है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, बट अदर्स जो API हैं उसके चार्जेस हैं. सो अगर मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक विद ओनली Termex API. सो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है. सो उसके लिए पैकेज, मुझे पहले ना स्क्रीन क्लियर करने दो एंड जूम इन करने. कमांड इज पैकेज इंस्टॉल Termex API. सो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो Termex API है वो डाउनलोड हो जाएगा. सो इट्स डाउनलोडिंग, डन, ओके. सो इफ सॉरी लेट मी क्लियर. अभी आपको करना है अपडेट पैकेजेस को एंड APT
upgrade, spelling mistake. Okay, so now our packages are updating and upgrading, जो कि आपको करना ही करना है. Yes. उसके बाद हम Termex के जो API हैं वो commands देखने वाले हैं. Okay, done. So let me clear with the screen. And मुझे ये जो Termex API बहुत ही useful लगा. वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी मैं first command पे आ रही हूँ. देखिए, कभी आपने पीसी पे, आपने पीसी का हेल्थ स्टेटस देखा कि कैसे उसका टेम्परेचर चेक करते हैं एंड ऑल दैट. अभी हम यहाँ पे बैटरी का स्टेटस देखेंगे कि बैटरी का हेल्थ स्टेटस क्या है. ठीक है, सो उसके लिए Termex API में कमांड है Termex हाइफन बैटरी स्टेटस. अभी ये आपको आउटपुट देगा इन जेसन फॉर्मेट में. यहाँ पे आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यही डालना है Termex बैटरी स्टेटस. बहुत इजी कमांड है. आप Termex लिखिए, टैप प्रेस कीजिए, आपको ये कमांड पूरा ही कंप्लीट मिल जाएगा. आपको ये भी नहीं कि कमांड याद रखने की ज़रूरत है. सो यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना है. जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वहाँ पे बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट्स हमें देने हैं. सो अभी देखिए Termex का अगर बैटरी स्टेटस देखना है, अभी मैं एंटर करूँगी. सो आई विल गेट द स्टेटस ऑफ माई बैटरी हेल्थ गुड परसेंटेज प्लग्ड अनप्लग्ड स्टेटस इज डिस्चार्जिंग एंड सी यू कैन चेक द टेम्परेचर दैट इज 39 एंड नेक्स्ट इज करंट. सो दिस वे यू कैन चेक द बैटरी स्टेटस ऑफ योर मोबाइल. ठीक है ना, इंटरेस्टिंग. सो नेक्स्ट है, फर्स्ट लेट मी क्लियर. नेक्स्ट, आप अपने सिस्टम में ब्राइटनेस को भी Termex के थ्रू अभी मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसे है अभी देखते हैं. सो इसका कमांड है Termex हाइफन ब्राइटनेस Termex ब्राइटनेस. एंड बट ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लगता है. यहाँ पे Termex का ब्राइटनेस मैनेज करने के लिए हमें जो उसका आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, वो 0 से 255 के बीच में देना है. सो ये रेंज आप 0 से लेके 255 तक कुछ भी दे सकते हैं. इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है. एंड एक और आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अपना ब्राइटनेस ऑटो भी रखते हैं, है ना. तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटो भी है. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, या तो आप 0 से 255 के बीच में देंगे या आप ऑटो रखेंगे. अभी अगर मैं आपको 0 रख के दिखाती हूँ, अगर मैं अपना ब्राइटनेस 0 करती हूँ, अभी कुछ स्क्रीन पे बहुत लाइट हो गया है. ठीक है, आपको शायद नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको समझेगा कि यहाँ पे जो ब्राइटनेस स्क्रीन का वो बहुत लाइट हो गया. अगर मैं इसको अगेन 255 करती हूँ तो ये ओके हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल जो पहले में था वैसा हो जाएगा. उसके बाद आप इसमें ऑटो भी रख सकते हैं. नॉर्मली आप ऑटो टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटो पे भी ये हो जाएगा. ठीक है, आप 0 से 255, ये नहीं कि 0 ही देना और 255 देना, कुछ भी दे सकते हैं. मैं 100 भी दे सकती हूँ, मैं दे देती हूँ 100. सो 100 भी दे सकते, दैट इज योर विश कि आपको कितना देना है. सो यू कैन मैनेज, इट्स वेरी सिंपल ना. आपको जस्ट लिखना है Termex ब्राइटनेस एंड यू हैव टू पास द आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट आपको देना है. जैसे कि मैंने 255 दिया, ऑटो 0, कुछ भी आप देख के चेक कर सकते हैं अपना ब्राइटनेस. सो अच्छा लग रहा है आपको कमांड्स देख के Termex API. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज कैमरा इन्फो. यू कैन चेक योर कैमरा इन्फो. सो नेक्स्ट थिंग इज Termex कैमरा इन्फो. अभी कैमरा इन्फो का रिक्वायरमेंट क्यों है वो भी मैं बताती हूँ, बट पहले आप इन्फो देख लीजिए. कहाँ पे डाला था कमांड, ये है. ठीक है, यहाँ पे देखो, कैमरा इन्फो में आपको पहले आईडी दिख रहा है. आईडी में क्या है, 0. उसके बाद फेसिंग क्या दिखा रहा है, बैक. उसके बाद जो आउटपुट साइजेस हैं वो दिए गए. ये सब जो इमेज आप क्लिक करते हैं ना, उसके आउटपुट साइजेस हैं. ठीक है, उसके बाद ये बताया है ऑटो एक्सपोजर क्या है, फिजिकल साइज क्या है. नाउ सी, दिस इज द आईडी 1 एंड फेसिंग क्या है, फ्रंट. पहले का फेसिंग क्या था, बैक था. तो यहाँ पे फेसिंग क्या है, फ्रंट. एंड आईडी, यहाँ पे आईडी आप नोट कीजिए, ये हमें आगे की कमांड में रिक्वायर्ड रहेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो आउटपुट इमेजेस दिए हुए हैं, उसके फोकल लेंथ है, देन ऑटो एक्सपोजर है. सो ये तो हो गया आपका मोबाइल का
डिवाइस इन्फो कभी चेक किया था आपने कि क्या क्या साइजेस थे, कभी सेटिंग में जाके देखे हो? नहीं. तो यहाँ पे देखो, आपको वन पॉइंट पे आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही फर्स्ट आपको टर्मिनल पे सब नॉर्मल कमांड डालना है और आपको इजीली वो मिल जाएगा. सो मुझे तो ये बहुत यूजफुल लगता है. ठीक है, उसके बाद अभी देखिए हमें ज़रूरत क्यों है. उसके बाद हमें टर्मेक्स पे, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, टर्मेक्स कैमरा फोटो, अभी हम फोटो लेंगे. ठीक है, लेकिन फोटो लेना कैसे है इसके लिए, बट आपको क्या देना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है. तो यहाँ पे मुझे आर्ग्यूमेंट देना है हाइफन सी, दैट इज़ कैमरा आईडी. तो आपने दो आईडी देखे थे, फर्स्ट देखा था आपने 0 and 1. 0 किसका था? बैक का. 1 किसका था? फ्रंट का. सो आई एम गिविंग द 1 एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू गिव द आउटपुट फाइल नेम, मतलब किस फाइल में आपका फोटो सेव करना है. सो आई एम डूइंग विद द 45.jpeg. आई एम गिविंग द एक्सटेंशन, अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी देंगे तो भी वो क्लिक हो जाएगा. एंटर. ओके डन. सो इफ आई डू ls, सो सी 45.jpg में वो आपका फोटो एक्सेस हो गया, मतलब क्लिक हो गया फ्रॉम द फ्रंट कैमरा. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू कि क्या फोटो क्लिक हुआ है, वो आप अपने टर्मेक्स पे करके देखिए. ओके, सो नेक्स्ट कमांड इज सो इंटरेस्टिंग. यू फर्स्ट चेक द कैमरा इन्फो, देन हम लोगों ने फोटो क्लिक किया. ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमारा क्लिपबोर्ड. आप नॉर्मली टेक्स्ट कुछ भी कॉपी करते हैं राइट, एंड हम उसको फिर पेस्ट करते हैं, लेकिन वो क्लिपबोर्ड पे होता है. तो हम ये देखेंगे कि क्लिपबोर्ड पे क्या कॉपी हुआ है और उसमें वहाँ पे हम वो सेट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड इज टर्मेक्स क्लिपबोर्ड गेट. सो जिससे आपको क्लिपबोर्ड का जो टेक्स्ट है वो हमें मिलेगा. सो हियर देयर इज नो नीड टू पास एनी आर्ग्यूमेंट, हमें नॉर्मल कमांड देना है. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड टर्मेक्स क्लिप बोर्ड गेट, मतलब मुझे सिस्टम से इंफॉर्मेशन चाहिए. एंड डालो एंटर. ओके, सो हियर आई सिलेक्टेड द काइंड मास्टर ऑडियो फाइल. सो ये आ गया. ठीक है, जो पहले ही क्लिपबोर्ड में कॉपी था, लेकिन अगर मुझे कुछ अपनी मर्जी से सेट करना है तो उसके लिए आपको डालना पड़ेगा टर्मेक्स हाइफन क्लिपबोर्ड एंड सेट. एंड यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट सेट करना है वो आप कर दीजिए. 45 सॉल्यूशन, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक. ठीक है, नो इश्यूज. अभी टर्मेक्स क्लिपबोर्ड अगर मैं गेट करूँगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए? सी आई गॉट द टेक्स्ट जो कि मैंने सेट किया था. सो ये कॉपी है जो हम लोग कॉपी करते हैं, एंड आई वॉन्ट जस्ट वॉन्ट टू सी कि मैंने क्या चीज़ कॉपी की थी. तो यहाँ पे ये कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं. गेट से हमें पता चलेगा कि हमने क्या कॉपी किया था, एंड सेट से वी कैन सेट द क्लिपबोर्ड टेक्स्ट. एंड फॉर दैट वी नीड द आर्ग्यूमेंट. पहले आपको लिखना है टर्मेक्स हाइफन क्लिपबोर्ड हाइफन सेट, एंड देन यू हैव टू सेट द टेक्स्ट दैट यू वॉन्ट. क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को. सो नेक्स्ट इज डायलॉग, जो कि आपको एक टेक्स्ट एंट्री डायलॉग डिस्प्ले करेगा. सो कमांड है टर्मेक्स हाइफन डायलॉग. तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा. सो ये देखिए स्क्रीन पे जो डायलॉग बॉक्स आया इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे आप कुछ टाइटल भी दे सकते हैं, जैसे कि हाइफन टी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो या एनीथिंग एल्स वट एवर यू वॉन्ट्स. सो अभी आपको जो आएगा वहाँ पे ऊपर देखिए आपको दिख के आ रहा है हेलो. सो ये एक डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग है आपका डाउनलोड, मतलब आप मैनेजर के थ्रू डाउनलोड करते हैं. यहाँ पे आप टर्मेक्स के थ्रू कैसे डाउनलोड मैनेजर से डाउनलोड करेंगे. सो पहले मुझे क्लियर करने दो. सो नेक्स्ट कमांड इज टर्मेक्स डाउनलोड डाउनलोड. और नेक्स्ट थिंग ये रिसोर्स डाउनलोड करेगा यूजिंग डाउनलोड मैनेजर, लेकिन इसके लिए मुझे पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा https://google.com. ठीक है,
सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है, तो इट्स डाउनलोडिंग फ्रॉम द गूगल, स्पेलिंग मिस्टेक है, google.com. google.com. दैट सो शुड बी वैलिड. नाउ देखो डाउनलोड हो गया फाइल. सो इस तरह आप वैलिड अगर डाउनलोड लिंक देंगे तो वो डाउनलोड करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट देना है, जो भी URL यहाँ से जो डाउनलोड करना है वही. तो फर्स्ट आपको डालना पड़ेगा टर्मेक्स डाउनलोड. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी द फिंगरप्रिंट. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सो नेक्स्ट कमांड इज टर्मेक्स हाइफन फिंगरप्रिंट. सो बेसिकली ये चेक करेगा सेंसर जो कि रहते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए आपके डिवाइस के. अभी यहाँ पे यहाँ देखते हैं. अभी देखो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आया. सो यहाँ पे मैंने अपना फिंगरप्रिंट डाला तो उसने सक्सेसफुली बताया. तो यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे अगर आप फेल हो जाते हैं तो, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट मिलते हैं. ठीक है. सो ये तो हो गया आपका फिंगरप्रिंट. देन है आपका लोकेशन, कैसे आपको आपके डिवाइस का लोकेशन चेक करना है. क्लियर करते हैं स्क्रीन. सो नेक्स्ट है लोकेशन. लोकेशन के लिए टर्मेक्स, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा कि कहाँ से लोकेशन चाहिए. देन ठीक है टर्मेक्स हाइफन लोकेशन. देन यू हैव टू गिव द प्रोवाइडर, लाइक आई वॉन्ट फ्रॉम द GPS. यहाँ पे 3 प्रोवाइडर है, GPS, नेटवर्क एंड पैसिव. एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव टू गिव द रिक्वेस्ट. यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट है. लास्ट है वंस एंड अपडेट्स. आई एम गिविंग द लास्ट वन एंड एंटर. सो सी यू आर गेटिंग योर लोकेशन. तो आप अपने डिवाइस पे देखेंगे आपको पूरा आपका डिवाइस का लोकेशन मिल जाएगा. ओके. सो ये तो हो गया हमारा लोकेशन कैसे देखेंगे. सो नेक्स्ट थिंग है हमारा मीडिया प्लेयर. सो आप टर्मेक्स के थ्रू कोई भी मीडिया प्लेयर कैसे करेंगे प्ले. सो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा SD कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडिया प्लेयर है नहीं. LS, ये कमांड तो आपको आती रहेंगी अभी, है ना. नाउ आई वॉन्ट्स टू वी गो टू द काइन मास्टर एंड इफ आई डू LS CD ऑडियो. ऑडियो के अंदर कुछ ना कुछ रहेगा. इफ आई डू LS, सो कुछ भी फाइल मैं कॉपी कर लेती हूँ. कॉपी एंड फर्स्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सो कमांड है आपका टर्मेक्स मीडिया एंड प्लेयर. एंड उसके बाद आपको लिखना है प्ले एंड वी हैव टू पेस्ट दैट फाइल एंड एंटर. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द NFS सर्वर. सो वॉइस वाज डाउन. सो NFS सर्वर स्टैंड्स फॉर द नेटवर्क फाइल सिस्टम. आपका जो मीडिया प्लेयर है वो चल रहा है, जिसमें क्या होता है वी शेयर द फाइल्स. सो नाउ आई वांट्स टू स्टॉप. सो देयर इज नो नीड टू पास एनी पैरामीटर एल्स. सो आपको फाइल का नाम नहीं देना है, जस्ट आपको क्या लिखना है स्टॉप. आपका जो मीडिया प्लेयर है वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वे यू कैन स्टार्ट द मीडिया प्लेयर एंड दिस वे यू कैन स्टॉप. ठीक है. इसके लिए आपको फाइल पाथ देने की जरूरत नहीं है. लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सो नेक्स्ट थिंग इज मीडिया स्कैन. सो टर्मेक्स मीडिया स्कैन, यहाँ पे आपको जो भी इंटरफेस है, जो भी आपके मीडिया स्कैनर करेगा एंड जो भी इंटरफेस आप स्कैन करेंगे वो आपको दिखाएगा कि कितना फाइल्स उसने स्कैन किया है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको कुछ आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा. अगर ठीक है मैं देती हूँ SD कार्ड. सो ये बोल रहा कि इसने एक फाइल स्कैन किया. ठीक है. अभी मैं यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट देती हूँ हाइफन R, दैट मीन्स रिकर्सिवली, मतलब स्कैन डायरेक्टरीज रिकर्सिवली. एंड उसके बाद मैं देती हूँ फाइल. सो इट विल शो टोटल फाइल जो कि उस फाइल के अंदर उसने स्कैन किया. सो हेयर 2,4,5,9,5 फाइल्स जो है वो स्कैन हुआ, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला बैकेंड में कौन सा फाइल स्कैन किया.
अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये भी देखना है कि कौन सा फाइल स्कैन किया, सो यूज़ द वर्बोज मोड ऑप्शन, जिसमें आप बैकएंड में क्या हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं. सो मैं आपको बताती हूँ, आप हाइफन वी डालिए एंड सॉरी एसडी कार्ड, स्पेलिंग मिस्टेक, एसडी कार्ड. ठीक है, अभी आप देखिए, आप यू कैन सी कि कौन सी बैकएंड में क्या क्या चल रहा है. ठीक है, ओके, सो दिस वे यू कैन चेक द फाइल्स जो भी आप स्कैन करते हैं. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सो नेक्स्ट थिंग इज नोटिफिकेशन यू कैन चेक और रिमूव. सो उसके लिए बहुत सिंपल सा कमांड है, जिससे आपका टॉमिक्स का कोई भी नोटिफिकेशन आप जनरेट कर सकते हैं. सो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाएगा. देखिए टॉमिक्स एपीआई, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे टॉमिक्स एपीआई करके नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं. सो उसके लिए कमांड है हाइफन रिमूव एंड यू हैव टू गिव द आईडी नंबर हियर. ठीक है, सो इससे आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड है सेंसर का. सो सेंसर में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपके सिस्टम में कितनी तरह के सेंसर है. ऑब्वियसली आपके सिस्टम में बहुत सेंसर है, तो इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ सेंसर्स. इससे आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, अगर आप देखना चाहते हैं कि डिवाइस के अंदर, मोस्टली बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं. सो अगर आपको अपने डिवाइस के अंदर ये चेक करना है कि कौन से सेंसर्स अवेलेबल हैं, तो आप देखिए ना, यहाँ से टर्मेक्स में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन सीखने को मिलता है. सेंसर एंड हाइफन एल, यहाँ पे देखना है लिस्ट. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा करती हूँ, तो ये दीज आर द लिस्ट ऑफ द सेंसर अवेलेबल इन योर डिवाइस. सो आप चेक कर सकते हैं आपके डिवाइस में कौन कौन से सेंसर्स हैं. सो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका शेयर. आप फाइल्स शेयर करते हैं ना टर्मेक्स के थ्रू, सॉरी नॉर्मली सिस्टम में आज टर्मेक्स के थ्रू करते हैं. डू एल एस आई वॉन्ट्स टू गो ऑन होम, इफ आई डू एल एस देर इज़ ए फाइल 45.jpg, सो उसको शेयर करते हैं. ठीक है, सो इससे क्या होगा, यू कैन शेयर अ स्पेसिफाइड फाइल, जहाँ जो आर्ग्यूमेंट में दिया है वो आप शेयर कर सकते हैं बाय एनी मीडिया, लाइक ऑन ईमेल, ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा, कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं जो फाइल आपका टॉमिक्स पे भी है, या आप सिस्टम टॉमिक्स के थ्रू आपके सिस्टम का फाइल भी एक्सेस करके दे सकते हैं. सो सिंपल है, टॉमिक्स शेयर एंड यू हैव टू गिव द फाइल दैट वॉज द 45.jpeg. सी इट्स आस्किंग फॉर ओपन विद वेयर यू वॉन्ट्स टू शेयर द फाइल. सो आप वो सिलेक्ट करेंगे एंड वहाँ पे आपका फाइल क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा. सो दिस वे यू कैन शेयर द एनी फाइल फ्रॉम टॉमिक्स. ओके, सो नेक्स्ट थिंग है हमारा स्टोरेज, जिसमें आप स्टोरेज आप किसी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फाइल फ्रॉम द सिस्टम, एंड आउटपुट जो रहेगा वो किसी राइटेबल फाइल में आपको डिस्प्ले हो जाएगा. जैसे कि इफ़ आई डू ls, सो देर इज़ अ फाइल टेस्ट. ओके, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सो यहाँ पे आपको डालना है टर्मेक्स स्टोरेज एंड गेट, एंड फाइल नेम दे दो टेस्ट. आपको पूरा जो रिक्वेस्ट जो आप फाइल को करेंगे वो आउटपुट आपको स्पेसिफाइड फाइल में हो जाएगी. आपको स्टोरेज, आपके सिस्टम का स्टोरेज देखना है, एंड वो टेस्ट फाइल में आपको दिखेगा. सो देखिए आप देख सकते हैं अपने सिस्टम का स्टोरेज फ्रॉम द टॉमिक्स ओनली. सो दिस वे यू कैन एक्सेस द स्टोरेज. ठीक है, उसके बाद है आपका कमांड टेलीफोन कॉल. सो उसके लिए टॉमिक्स टेलीफोन कॉल, एंड हियर यू हैव टू गिव द स्पेसिफाइड नंबर एंड करेक्ट नंबर देना है. ओके, सो देर इज इन द एयरप्लेन मोड, सो लेट्स वेट. ठीक है, कैंसल. सो
See, so call is going, okay? So this way you can do the call. So let me put into the airplane mode. Okay, so ये था telephone call का. So next है आपका, आपको अगर telephone का device info चाहिए आपका, so उसके लिए क्या है? So command है Termex telephony device info. So इसे आपको आपके system का device info है वो पता चल जाएगा. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे, so यहाँ पे आपको पता चलेगा आपका डेटा एक्टिविटी क्या है, डेटा स्टेट क्या है, डिवाइस आईडी क्या है, आपका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, फ़ोन काउंट कितने हैं, टाइप्स क्या है, फ़ोन टाइप जीएसएम है, कौन सा है, नेटवर्क ऑपरेटर, देन नेटवर्क कंट्री आईएसओ कौन सा है, देन नेटवर्क रोमिंग आईएसओ, सिम ऑपरेटर क्या है, सिम ऑपरेटर का नाम क्या है, सिम का सीरियल नंबर इवन यहाँ से पता चल जाएगा, देन सिम का जो सब्सक्राइबर आईडी क्या है, सिम स्टेट क्या है, ये सब. तो ये आप डिवाइस इन्फो से ले सकते हैं. अनदर ऑप्शन इज़ अवेलेबल, दैट इज़ अ सेल इन्फो, जिससे आपको अपने सिस्टम का सेल इन्फो पता चलेगा. सो कमांड सिंपल है, टेलीफोनी सेल इन्फो. आई एम गोइंग टू जूम. सो दिस इज़ द कमांड. आप टर्मेक्स डाले, टैप प्रेस करेंगे टेलीफोनी, तो सेल इन्फो आपको कमांड मिल जाएगा. ठीक है, एंटर करेंगे. आई एम नॉट गेटिंग द सेल इन्फो. ओके, नॉट ए इशू. सो ये आपको बेसिकली सेल इन्फो बताता है, आपके डिवाइस में मे बी शो करेगा. ठीक है, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द टॉर्च. आप अपने सिस्टम में टॉर्च ऑन करते हैं, कभी कभी तो मिलती नहीं है टॉर्च कहाँ पे. सो नहीं, आजकल के मोबाइल में शॉर्टकट्स में अवेलेबल है, बट पहले नहीं मिलता था. टर्मेक्स टॉर्च. सो टर्मेक्स टॉर्च, एंड यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, दैट इज़ ऑन एंड ऑफ. यहाँ पे टॉगल आपको ऑन और ऑफ देना पड़ेगा. सो अगर मैं किस दिखाऊंगी आपको, ऑफ कर रही हूँ मैं, ऑन. सो आई गेस आप टर्मेक्स यूज़ कर रहे हो तो दिखेगा नहीं, अगर आप विदाउट इसके करोगे तो शायद आपको, बिकॉज मेरा रिकॉर्ड हो रहा है तो इसके लिए शायद दिखा नहीं रहा. आप अपने सिस्टम पे करके देखो, ऑन होता है. ऑफ हो गया. सो यू कैन सी, हो गया. ठीक है, ऑफ कर देते हैं. ओके, डन. सो ये इस तरह से आप टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है टर्मेक्स TTS इंजन कमांड. सो बेसिकली ये मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, जो टेक्स्ट टू स्पीक इंजन्स अवेलेबल रहेंगे मेरे सिस्टम में, उसका ये मुझे इन्फॉर्मेशन देगा. सो एंटर करते हैं. सो हेयर द गूगल TTS इंजन इज़ अवेलेबल. सो नाउ हम लोग देखते हैं, इसके लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिंपल आपको कमांड डालना है. सो नेक्स्ट थिंग इज़ अ TTS स्पीक, जिसमें आप टेक्स्ट टू स्पीक इंजन में आप कुछ जो टाइप करेंगे वो आपको प्रनाउंस करके दिखाएगा. ठीक है, सो टर्मेक्स TTS स्पीक स्पीक. सो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टर्मेक्स, तो इट विल प्रनाउंस टर्मेक्स. ठीक है, टर्मेक्स, एक्चुअली टर्मेक्स, राइट. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. मैं तो आज तक टर्मेक्स बोल, टर्मेक्स. ओके, सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर बाय कंट्रोल सी. सो ये तो था आपका कि कैसे टेक्स्ट टू स्पीक आपको इंजन यूज़ करना है. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द टर्मेक्स वाइब्रेट. टर्मेक्स वाइब्रेट. ओह या, सो इससे मेरा डिवाइस जो है वो वाइब्रेट हो रहा है. सो इसके लिए आपको ऑप्शन दे सकते हैं ड्यूरेशन, या फिर आपको देना है फोर्सफुली. आप दो आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड. अगर आपको देना है तो आप मिली सेकेंड्स में ड्यूरेशन दे सकते हैं. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका वाइब्रेट. सो नेक्स्ट कमांड इज़ वॉल्यूम. टर्मेक्स वॉल्यूम. सो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पे जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू शो द वॉल्यूम. ठीक है, सो इट्स शोइंग इन फर्स्ट कॉल है, देन सिस्टम रिंग म्यूजिक अलार्म नोटिफिकेशन. सो हियर, एक सेकेंड, अगर मेरे डिवाइस में अगर मैं सब डाउन कर देती हूँ, ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट. सो बिफोर दैट इट वाज 15:15 एंड राइट नाउ सी इट्स ज़ीरो. सिस्टम इज़ ज़ीरो, रिंग इज़ ज़ीरो, म्यूजिक ज़ीरो, अलार्म वन है, नोटिफिकेशन ज़ीरो. सो इट्स शोइंग द स्टेटस ऑफ योर
मतलब जो आपके डिवाइस का वॉल्यूम है उसका स्टेटस आपको दे रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, सो व्हाट इज़ गोइंग टू शो, सो इट शुड डिस्प्ले इन 1515, या इट्स शोइंग 1515 फ्रॉम ज़ीरो, ओके। सो दिस वे यू कैन चेक द वॉल्यूम, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं टर्मेक्स वॉलपेपर, हाउ यू कैन सेट द टर्मेक्स वॉलपेपर। सो लेट मी जूम, ठीक है। सो टर्मेक्स, नाउ आई विल प्रोनाउंस द टर्मेक्स, टर्मेक्स वॉलपेपर, एंड वी हैव टू गिव द फाइल। उप्स, सो फाइल देने के लिए मुझे फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, एसडी कार्ड, do ls cd, I have to, where I will get the, okay, in the downloads, download do ls, so here we have a images, okay, so this is my screen wallpaper right now, so we are going to change the wallpaper, so wallpaper ke liye kya command hai, termux wall paper, and here we have to give the image, sorry, we have to mention the file na? So I'm not, yahan pe aap do cheeze de sakte, either you can give the file, either you can give the url, yahan pe aapka image hai, so I am giving the file, so yahan pe dena hai aapko images.mp4, is showing the file na? Termux wallpaper, so okay, hyphen f, and we have to give the file, images copy and paste, okay। सो पहले भी यही था, नहीं एक सेकेंड, कॉपी, अभी कॉपी करती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू द डबल कोटेशन, पेस्ट टू द डबल, सी वॉलपेपर चेंज। सो दिस वे यू कैन सेट द वॉलपेपर आजकल, ठीक है। सो इसके लिए आपको फाइल देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू पुट द फाइल नेम जहाँ पे है, सो आपको वो फाइल के अंदर जाके, या तो आप पूरा पाथ दे दो तो भी आपको चल जाएगा, तो भी आप सेट कर सकते हैं। मैं उस फाइल के अंदर जाके वहाँ पे सेट की हूँ, आप मतलब वहाँ से ही होम में ही आप उसका पूरा पाथ देंगे तो भी वो सेट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी वाईफाई, ठीक है, टर्मेक्स वाईफाई। सो यहाँ पे आप टर्मेक्स वाईफाई को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स, ठीक है। राइट नाउ वाईफाई मेरा ऑफ है, ट्रू देती हूँ तो इनेबल हो जाएगा, मे बी एयरप्लेन मोड में इसके लिए नहीं हो रहा, फॉल्स तो भी वो ले रहा है। आप अपने सिस्टम में करके देखिए, वो आ जाएगा, इनेबल भी हो जाएगा और डिसेबल भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका जो भी वाईफाई को इनेबल और डिसेबल करने के लिए था, इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू गिवन द वैल्यू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वाइफ टर्मेक्स वाईफाई एंड स्कैन इन्फो, जिससे आपको लास्ट वाईफाई जो स्कैन किया रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो जस्ट टाइप स्कैन इन्फो, तो जो प्रीवियस वाईफाई स्कैन किया रहेगा, मेरे यहाँ पे नहीं है, आपके यहाँ पे दिखा देगा, जो भी प्रीवियस वाईफाई जो भी स्कैन किया रहेगा, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।
सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सब कमांड्स देख लिया ऑफ टर्मेक्स API. सो दिस वे यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑल द टर्मेक्स API कमांड्स. एंड इफ यू फेस एनी क्वेरी रिलेटेड टू द टर्मेक्स API कमांड, सो जस्ट गिव अपडेट योर क्वेरी ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन. एंड थैंक यू गाइज, एंड रब रखा.